देखिए कल हम लोगों ने रासायनिक साम में जो आपका चैप्टर है वो शुरू कर दिया था, और उसके अंदर भौतिक साम में विभिन्न प्रकार के जो आपके फिजिकल प्रोसेस होते हैं, बातें नहीं पीछे, जो विभिन्न प्रकार के जो भौतिक साम्य होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके अतिरिक्त रासायनिक साम्य के कई उदाहरण हमने देखे, जिसमें समांगी प्रकार के निकाय और विसमांगी प्रकार के निकाय वो हमने देखे। इसके अलावा गुलबर्ग व वागे का नियम, गुलबर्ग वागे का जो नियम है उसके बारे में हमने चर्चा करी और समझा उसको कि किस प्रकार से केसी और केपी के मान हम ज्ञात करते हैं, और केसी और केपी के मध्य हमने एक संबंध भी स्थापित किया था, केसी इज इक्वल टू केपी आर टी इसकी घात डेल्टा एन, ये संबंध भी हमने कल स्थापित कर लिया था। और विभिन्न उदाहरण लेकर हमने ये देखा कि किस प्रकार से केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। इसके अलावा विभिन्न उदाहरण देकर हमने के और केपी किस तरीके से मान निकालेंगे वो हमने देख लिया था। अब हम आगे बात करते हैं जो हमने कल छोड़ दिया था, ली शैटेलिए जो प्रिंसिपल है वहाँ से पुनः हम उसकी शुरुआत करेंगे आज हमारे रासायनिक साम्य की, और फिर उसके उपरांत रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है विलेयता गुणनफल वो क्या होता है, विलेयता गुणनफल के बाद सम आयनन प्रभाव क्या है, इसके अलावा विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग क्या हैं, विलेयता गुणनफल के कहाँ कहाँ उसका यूज होता है। इसके अतिरिक्त अगर हमें समय रहा तो हम बफर जो सॉल्यूशंस होते हैं, बफर विलयन हंडरसन जो आपकी समीकरण है उसकी व्युत्पन्न उसका डेरिवेशन करने का यहाँ प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने कल जहाँ से छोड़ा था, ली शैटेलिए प्रिंसिपल, ली शैटेलिए का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है अलग आयनिक इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर है आपका, और रासायनिक दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, मैं आऊँगा उस पर भी, ठीक। अब रासायनिक साम्य, तो देखिए ली शैटेलिए जो प्रिंसिपल है आपका उससे क्या तात्पर्य है कि जब कोई सिस्टम कोई रासायनिक साम्य अपने उस जो उसकी पोजीशन है जो उसकी स्थिति है उसको अगर किसी मापनीय गुण के परिवर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, मापनीय गुण में परिवर्तन के द्वारा उसको अलग किया जाए या उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाए। अब मापनीय गुण से क्या तात्पर्य है, टेम्परेचर है प्रेशर है इसके द्वारा, टेम्परेचर प्रेशर इसके द्वारा यानी मापनीय गुण, मापनीय गुण से तात्पर्य आपका क्या हो गया, ताप दाब सांद्रता आदि कलर जो भी है, ठीक है, ताप दाब सांद्रता इसमें परिवर्तन किया जाए तो रासायनिक साम्य क्या करेगा, तो रासायनिक साम्य उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में ये जो मापनीय गुणों में जो किए गए जो परिवर्तन है वो समाप्त हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार ये सिद्धांत, फिर आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम इसकी फिर बात करेंगे। ली शैटेलिए का नियम, जब किसी रासायनिक साम्य के जब किसी रासायनिक निकाय के साम्य में मापनीय गुण में परिवर्तन करके परिवर्तन किया जाता है तब साम्य उस दिशा में प्रगति करता है जहां पर
किए गए परिवर्तन का प्रभाव, इधर लिख देते हैं, यहां पर समाप्त हो जाए। वापस से मैं दोहरा देता हूं, ली शेटलिए का जो प्रिंसिपल है, जब किसी रासायनिक निकाय के जो साम्य में उसके मापनीय गुणों में परिवर्तन किया जाता है, तब साम्य उस दिशा में प्रगति करता है जहां पर किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए। इससे क्या तात्पर्य है, इसे मैं एक उदाहरण लेकर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने उतार तो सबने लिया है, इससे समझ में आ जाएगा आपके। देखिए, मान लीजिए आपका एक अभिक्रिया है जब नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया का। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया है, आप सभी लोग इससे भलीभांति परिचित हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रही है और आपका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब मान लीजिए इस केस के अंदर मैं दाब में परिवर्तन कर देता हूं। किस में परिवर्तन करता हूं, ये जो आपकी अभिक्रिया है साम्य पर है, रासायनिक साम्य पर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दाब में परिवर्तन कर रहा हूँ, प्रेशर चेंज कर रहा हूँ। तो पहले हम एक चीज देखते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड साइड पर बाईं तरफ, अभिक्रिया के बाईं तरफ कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तीन और एक चार, और दाईं तरफ कितने हैं, दो। तो प्रति इकाई आयतन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किधर ज्यादा है, आपके बाईं तरफ, और दाईं तरफ कम है। अब मैं बढ़ा रहा हूँ प्रेशर, क्या बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर, दाब बढ़ा दिया मैंने रासायनिक साम्य पर, क्या बढ़ा दिया है, दाब बढ़ा दिया है। तो ये अभिक्रिया किस दिशा में गति करेगी, ये या ये साम्य किस दिशा में जाएगा जिससे इस बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाए या समाप्त हो जाए। वापस से मैं इसको बोल रहा हूँ, एक बार फिर पुनः समझने का प्रयास करेंगे। हमने ली शेटलिए का जो सिद्धांत है उसको समझने के लिए एक उदाहरण लिया है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो गैस है अभिक्रिया कर रही है हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया का निर्माण हो रहा है। इन दोनों के मध्य एक रासायनिक साम्य स्थापित हो चुका है। अब मैंने जो ये कंडीशन आपको दी गई है, यदि इस रासायनिक साम्य के दौरान हम क्या बढ़ा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, दाब, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो ये जो साम्य है किस तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा या दाईं तरफ जाएगा। अब ली शेटलिए का जो नियम है वो कहता है कि साम्य उस दिशा में जाता है जहां पर जो मापनीय जो गुण है उसका जो परिवर्तन जो किया गया है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए या कम हो जाए। ठीक, तो हमने क्या बढ़ाया है, दाब बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, दाब। तो प्रति इकाई आयतन यहाँ कितने, तीन और एक चार, पहले ही प्रेशर ज्यादा है और आपका राइट साइड में कम है, तो क्या होगा, निकाय किस तरफ जाएगा आपका, राइट साइड में, यानी अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अग्र दिशा में अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी दाब बढ़ाने पर अपना जो निकाय है रासायनिक साम्य है वो किधर स्थापित हो जाएगा, इधर अग्र दिशा के अंदर। अग्र दिशा में स्थापित होने से क्या तात्पर्य है, अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण होगा, क्या होगा, अधिक मात्रा में अमोनिया का निर्माण होगा। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो आपका ली शेटलिए जो सिद्धांत है उसका उपयोग हम किसी भी रासायनिक साम्य को समझने के लिए कर सकते हैं। अब देखिए ये जो समीकरण है इसके लिए, हाँ एक मिनट की क्वेश्चन लेते हैं, आप वो पूछ रहा है बच्चा कुछ, बिल्कुल देखिए एस, हाँ चलिए बोलिए, आप पहले अपना सवाल पूछ लीजिए पूरा फिर बताइए। आपका कहना है कि निश्चित ताप दाब पर हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, तो दाब बढ़ाने से क्या होना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए, आपका ये कहना है, हाँ ठीक बैठिए, चलिए चलो। देखिए ये आप इन छात्र ने जो क्वेश्चन किया ये कह रहे हैं कि साहब एक निश्चित ताप और दाब पर ये रासायनिक साम्य स्थापित होता है, बात बिल्कुल सही है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और प्रेशर पर वो साम्य स्थापित होता है। अब जो हम बात कह रहे हैं, बात यही है कि उस साम्य को डिस्टर्ब किया जाए, साम्य को क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। अब साम्य को डिस्टर्ब कैसे करेंगे, उसको चेंज, डिस्टर्ब से मतलब चेंज कैसे करेंगे, उसमें परिवर्तन कैसे लाएंगे, उन मापनीय गुणों में
परिवर्तन करके, क्योंकि हमें पता है जब भी कोई रासायनिक साम्य स्थापित होता है तो जो मापनीय गुण है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या रहती है, नियत रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं जब कोई रासायनिक साम्य स्थापित होता है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे या कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, तो क्या होगा, वो जो आपका रासायनिक साम्य है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर उसके अंदर साम्य नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, वो अपने गति करेगा, क्या करेगा, गति करेगा, अग्र दिशा में गति करेगा या पश्च दिशा में गति करेगा, और कुछ समय पश्चात पुनः फिर उसके अंदर जो गति करने के बाद एडजस्ट होने के बाद अपने अंदर वो साम्य स्थापित कर लेगा, लेकिन तुरंत नहीं, कुछ समय लेगा उसके लिए। तो अब वो किस दिशा में गति करेगा, किस दिशा में गति करेगा, ये किससे निर्धारित होगा, ये ली शैटेलिए का जो प्रिंसिपल है उससे निर्धारित होगा कि वो किस दिशा में गति करे। वो उस दिशा में गति करेगा जिस दिशा में जो मापनीय गुण है, जिसमें परिवर्तन करा है आपने, जिससे साम्य अपनी जगह से हट गया है, उसका प्रभाव न्यूनतम हो जाए या नष्ट हो जाए। ठीक, तो ये जो उदाहरण लिया था, जैसे मैंने अमोनिया वाला उदाहरण लिया था, इसमें अगर हम दाब बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ा देते हैं, दाब, तो अभिक्रिया उस तरफ जाएगी, अभिक्रिया का जो गति है उस दिशा में होगी जहाँ इस बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाए। तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया के अंदर कि आपका जो राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट साइड है उधर दाब कम है और अभिकारक की तरफ आपका ज्यादा है, तो इस वजह से क्या होता है, अग्र दिशा में अभिक्रिया जाती है। अब देखिए, मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा था इस अभिक्रिया के लिए हमने केक लिख दिया है N2। अब बात आई इस के की, के रासायनिक साम्य स्थिरांक, के क्या है आपका, रासायनिक साम्य स्थिरांक, के रासायनिक साम्य स्थिरांक है। अब के से क्या तात्पर्य है, के से तात्पर्य यह है कि के का मान जितना अधिक होगा, ध्यान देंगे, के का मान जितना अधिक होगा वो किस बात को इंगित करेगा, जो आपका ऊपर जो फैक्टर है यानी प्रोडक्ट, अगर के का मान अधिक है इसका मतलब उत्पाद अधिक मात्रा में बन रहा है, और के का मान अगर कम आ रहा है तो ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए जो के का मान होगा, पश्च अभिक्रिया के लिए के का मान विपरीत होगा। मान लीजिए के का मान, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, हम बोलेंगे कि अग्र अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग नियतांक का मान है, अग्र अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान 20 है, तो पश्च के लिए क्या हो जाएगा, 1/20, पश्च के लिए क्या होगा, 1/20, उसके विपरीत, इनवर्स होता है, क्या रहता है उसका, इनवर्स होता है। के का मान क्या हो जाएगा, के का मान अगर अग्र अभिक्रिया के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 20 है, तो पश्च के लिए क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। आगे बात समझ में, आप के का मतलब आप ये चीज समझ जाएंगे, के का मान मान लो किसी अभिक्रिया के लिए दे रखा है 2×10^-3, के का मान अगर किसी अभिक्रिया के लिए दे रखा है 2×10^-3, और एक अभिक्रिया के लिए दे रखा है 10×10^-3, मान लीजिए एक, मैं यहाँ लिखता हूँ, के का मान दो मान है आपके पास, के बराबर एक तो है 2×10^-3, और एक में है के का मान 2000, मान लीजिए 2000×10^2, ठीक। तो इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य यह है कि अग्र अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया हो रही है यानी जिसमें प्रोडक्ट बन रहा है, वो बहुत कम मात्रा में बन रहा है, क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में बन रहा है। अरे बात, वो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरा जो, अगर के का मान हम देखें तो ये मान काफी अधिक है, 2000×10^2, तो इससे तात्पर्य क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अधिक मात्रा में बन रहा है, और अधिक मात्रा से मतलब वो अधिक स्थायी है, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। आगे बात समझो, तो के के मानों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा में जा रही है, यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, या पश्च दिशा में आ रही है, उत्पाद मतलब उल्टी विपरीत दिशा के अंदर आ रही है। तो इस केसे इस आप इन चीज़ों को आइडिया ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ली शैटेलिए नियम है उसके अनुप्रयोग क्या है। तो आप बता दीजिए, अभिक्रिया बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगी, साम्य मतलब जिस दर से अभिकारक है आपका जो उत्पाद में जा रहा है उसी दर से उत्पाद अभिकारक में आ रहा है, दोनों का स्थायित्व समान हो जाएगा। रेशियो 1 कब होगा, जितना 50% वो बन रहा है सेम रेट से वो कन्वर्ट हो गया उसके अंदर। के का मान शून्य से क्या निकालोगे आप, शून्य कब होगा आप बताइए, के बराबर शून्य कब हो सकता है,
शून्य बटे शून्य तो होने से तो आप कुछ पता है, निरर्थक है वो तो। चलिए अब है हमारा रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक साम्य को करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। नंबर वन, सांद्रता का प्रभाव। किसका प्रभाव? सांद्रता का प्रभाव। पहले मैं एक दो बड़े जनरल से एग्जांपल लेता हूं जो आप लोगों को थोड़े रुचिकर भी लगेंगे। हम हीमोग्लोबिन, जो हमारे शरीर में बॉडी के अंदर है, हीमोग्लोबिन है, आप सभी लोग जानते हैं। हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, क्या अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया क्या होता है अंदर, क्या बॉडी के अंदर क्या बनेगा उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी और वो जो ऑक्सीजन है अपने ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर घुल कर वापस आपके कहाँ जाएगी? टिश्यूज तक, ऊतक तक जाएगी और वहाँ वो मुक्त हो जाती है। तो वो अभिक्रिया हम लेते हैं, उसके द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये लिख लीजिए आप पहले तो। Hb से तात्पर्य है हीमोग्लोबिन, O2 से तात्पर्य ऑक्सीजन हो गया गैसियस स्टेट में, जी, और आपका ये साम्य स्थापित हो रहा है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये क्या है आपके? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उतार लिया सभी छात्रों ने? वापस से बोल रहा हूँ, हम उदाहरण हम डिस्कस करने वाले हैं कि सांद्रता का रासायनिक साम्य पर क्या प्रभाव होता है अगर सांद्रता में कंसंट्रेशन के अंदर हम चेंज कर रहे हैं। देखिए, अब ऊतकों में ऑक्सीजन का जो दाब है में कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में मौजूद है, ऑक्सीजन गैस आपने इंटेक करी श्वसन के द्वारा, क्या बना आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन थ्रू ब्लड आपके कहां गया? टिश्यूज तक। कहां गया? ऊतकों तक। अब ऊतकों पर क्या होता है? ऑक्सीजन का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। अब जब प्रेशर कम हो जाएगा तो साम्य किस तरफ, साम्य क्या होगा उसका? जब हमने चेंज कर दिया, हमने क्या किया? प्रेशर कम कर दिया। ध्यान देंगे जो मैं बात कर रहा हूं, साम्य को हमने कैसे डिस्टर्ब किया? प्रेशर कम करके। तो अब प्रेशर कम करेंगे तो अब क्या होगा? उसका प्रभाव नष्ट होने का कोशिश करेगा, आपका जो सिस्टम है, निकाय है, उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करेगा। अब कैसे करेगा? कि जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जो आपका ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इससे क्या करेगा? ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को मुक्त करेगा। तो यानी ये जो हीमोग्लोबिन है, जो साम्य किधर आएगा? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में आएगा? पश्चिम दिशा में, यानी ऊतकों पर जाकर, फेफड़ों से अपनी गए और ऊतकों पर जाकर क्या होगा? ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और किसमें चेंज? हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा। कहाँ जाकर? ऊतकों पर। फेफड़ों में क्या होता है? लंग्स में। फेफड़ों पर ऑक्सीजन का जो दाब है अधिक होता है। फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन का दाब क्या होता है? अधिक होता है। समझ रहे हैं आप? मैं लिख देता हूं यहां पर, फेफड़ों में O2 का दाब अधिक है। ठीक है, दो कंडीशन है, एक तो दाब कम और एक दाब अधिक। फेफड़ों में यानी लंग्स में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं
तो लंग्स के अंदर जब वो मिक्सिंग हो रही है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन रहा है जहां पर, वहां क्या है आपका O2 का दाब क्या है, अधिक है। ठीक, अब सिस्टम किधर जाएगा, निकाय किधर जाएगा, जहां दाब कम हो, ध्यान दीजिए विपरीत दिशा के अंदर जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे तो समझने की कोशिश करिए आप। फेफड़ों पर क्या होता है, ऑक्सीजन का दाब अधिक है, तो निकाय क्या करेगा, उस तरफ जाने का प्रयास करेगा जहां दाब कम हो जाए, जहां दाब कम हो जाए, और दाब कहां कम होगा, ऊतकों पर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हीमोग्लोबिन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होकर HbO2 फॉर्म में ऑक्सीहीमोग्लोबिन आता है और किधर चला जाता है, ऊतक वाली साइड में, यानी अग्र अभिक्रिया वाली दिशा में अभिक्रिया संपन्न होती है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहां पहुंचा हुआ है, ऊतकों पर, वहां क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पुनः आपका जो निकाय, जो जैविक सिस्टम है अपना, जो जैविक तंत्र है, वो जो निकाय है, वो क्या करेगा, अब सिस्टम को उस दिशा में ले जाएगा जहां उस कम दाब का प्रभाव नष्ट हो जाए, नहीं दाब जहां अधिक हो, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पश्च दिशा में चलेगी। आगे बात समझ में आपके, किस प्रकार से दाब का जो परिवर्तन है लंग्स में फेफड़ों के स्तर पर और ऊतकों में, जो दाब का जो परिवर्तन है किस प्रकार से ऑक्सीजन को मुक्त करता है और किस प्रकार से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बांधता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन हो रहा है आपका, HB हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऊतकों तक जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है, जिसका प्रयोग कर लिया जाता है और वापस हीमोग्लोबिन फ्री हो जाती है, और पुनः फिर क्या होता है, फेफड़ों में उच्च दाब पर वो वापस कंबाइन हो जाती है। निम्न दाब पर तो क्या होता है, ऑक्सीजन फ्री होती है, और उच्च दाब पर हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या होती है, कंबाइन होती है। आगे बात समझ में, अब हम बात करते हैं इसके साथ जुड़ी कार्बन डाइऑक्साइड की, क्या CO2। तो ये तो आपने कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं CO2। आपके रुधिर में CO2 घुली हुई है, किसमें, रुधिर में CO2 घुली हुई है, यह अभिक्रिया लिख लीजिए पहले तो आप। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इंटेक कर ली और ऊतकों में जाकर जहां उसकी जरूरत है, जहां अंगों में उसकी जरूरत है, वहां मुक्त हो गई। अब CO2 किस प्रकार से बाइंड होती है और किस प्रकार से निकलती है उसका वो बता रहे हैं, उसमें भी यही है आपका सांता का प्रभाव। तो आपका देखिए जो CO2 है वो रक्त में घुली हुई है, अब यहाँ चीज उल्टी है, जस्ट उसके अपोजिट, वहां क्या था, ऑक्सीजन का जो फेफड़ों में क्या था, दाब अधिक था, और ऊतकों में दाब क्या था, कम था। यहाँ अपोजिट है, यहाँ क्या है आपके फेफड़ों में तो क्या है, कम है, और ऊतकों में ज्यादा। अरे बस समझ, तो अब इस अभिक्रिया को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी CO2 है, ये एक्वस मीडियम के अंदर यानी ब्लड के अंदर डिजोल्व है और आपका फॉर्मेशन हो रहा है H2O CO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अब क्या हो रहा है, हम देखते हैं कि ऊतकों के अंदर, किधर, ऊतकों में जो उसका दाब है, किसका, CO2 का दाब अधिक है, क्या है आपका, CO2 का दाब अधिक है, तो क्या होगा अभिक्रिया में, बताइए आप, अग्र दिशा के अंदर जाएगी, किधर जाएगी, वापस से समझ लीजिए एक बार, हम बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से हमारे जैविक तंत्र के अंदर, जो आपके ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, वो किस प्रकार से हमारे बॉडी से बाहर जाती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो CO2 जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो H2O के साथ क्या होती है, कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है, H2O CH2CO। अब ऊतकों में मैंने बताया दाब क्या होता है, अधिक होता है CO2 के लिए, किसके लिए, वहाँ अधिक मात्रा में वो उपस्थित होती है CO2। ठीक है, तो वो क्या है, इस वजह से दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो अब हमारा जो जैविक तंत्र यानी निकाय है, किस दिशा में प्रगति करेगा, अग्र दिशा में, यानी CO2 H2 के साथ कंबाइन होकर H2CO3 का निर्माण करेगी। अब यहां से क्या होगा, ये वापस हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वापस ये किधर आएगी, फेफड़ों की तरफ आएगी, किधर आएगी, फेफड़ों की तरफ, और फेफड़ों में CO2 का जो दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
वहां क्या हो जाता है, CO2 का दाब कम हो जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, पश्च दिशा के अंदर, और पश्च दिशा में होने के कारण CO2 क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है और वापस बाहर निकल जाती है। आगे बात समझ में आपके कि किस प्रकार से जो आपका दाब है वो किस प्रकार से भूमिका निभाता है, कि आपका ये जो ली सैटेलिया का जो नियम है ये स्पष्ट करता है कि क्यों O2 आपकी बाइंड हो रही है, क्यों CO2 वापस निकल रही है। ठीक है, ये सारी चीज़। अब एक हम केमिस्ट्री का उदाहरण ले लेते हैं, ये तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो चीज़ हो रही, सांद्रता कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, आ रहा हूँ उस पर भी। ये आपके समझ में तो आ गया ना, जिस तरीके से मैंने ये बताया है, ये चीज क्लियर तो हो गई है ना आपके, क्यों वो मुक्त हो रही है, क्यों जुड़ रही है। ठीक, एक ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया है, कोई आपका सॉल्ट है, कोई लवण है जिसके अंदर Fe+3 उपस्थित है, ठीक है ना, ये थायोसाइनेट आयन है SCN थायोसाइनेट आयन के साथ अभिक्रिया करके इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण, आयरन के कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। ठीक, वापस से देख लीजिए आप, ये क्या है आपका सॉल्ट है, लवण है जिसके अंदर Fe+3 आयन उपस्थित है। ठीक, ये थायोसाइनेट आयन है SCN आयन है, इनके साथ ये अभिक्रिया करके इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा है। ठीक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका रंग है गहरा लाल, कैसा कलर है इसका, गहरा लाल। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका रंग कैसा है, गहरा लाल। अब मान लीजिए मैं इसमें ऐड करता हूं Fe+FeCl3, क्या ऐड कर रहा हूं, FeCl3, इसको एक बार एक ये सामने स्थापित हो रखा है इस अभिक्रिया के अंदर, और इसमें मैं सांद्रता बढ़ा रहा हूँ Fe+3 आयन्स की, किसकी सांद्रता बढ़ा रहा हूँ, Fe+3 आयन्स की सांद्रता बढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो अब सामने किस तरफ जाएगा, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, तो आप बताएंगे, ऑरेंज टी शर्ट के अंदर, हाँ हाँ बताइए बेटा, कि मैंने ये जो अभिक्रिया लिखी है यहाँ, पहले तो ये समझाइए क्या लिखा है मैंने, बताया, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, तो अब हमने किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई है यहाँ पर, किसकी है, आयरन की है ना, Fe+3 जो फेरिक स्टेट के अंदर है उसकी सांद्रता बढ़ा दिया। अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि अब सामने किस तरफ जाएगा, अग्र दिशा की ओर जाएगा, क्यों, किसकी, हाँ तो उससे क्यों जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ा, क्यों जाएगा बताइए, आपको आ रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, सांद्रता अधिक हो गई, चलिए देखिए, बैठिए, शाबाश, और कोई, और इसको थोड़ा, इसने बच्चे ने सही बताया है बिल्कुल, और कोई दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहे इसको, आप बताइए। देखिए इन्होंने बताया कि हमने, अगर मान लीजिए सपोज इसमें मैंने FeCl3 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, यानी कहने का मतलब Fe+3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, Fe+3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है, Fe3+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो जो हमारा ली शेटलिया का जो नियम है वो क्या कहता है, साम्य किस दिशा में जाएगा, जिस दिशा में इस बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव कम हो जाए, बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव नष्ट हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, अब सांद्रता तो बढ़ी है बाईं तरफ, सांद्रता किधर बढ़ रही है, बाईं तरफ, तो हमारा साम्य किधर जाएगा उस सांद्रता का प्रभाव कम करने के लिए, दाईं तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो मिक्सचर है, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर और अधिक गहरा लाल रंग हमको और अधिक मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि Fe+3 की जैसे आपने बढ़ाया, यद्यपि इसका रंग कैसा है, पीला रंग का है, कैसे रंग का है, पीला रंग का है, हमने डाल के आ रहे हैं पीला रंग वाला
FeCl3 डाल रहे हैं, लेकिन Fe+3 की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, सांद्रता बढ़ने के कारण, जो ली शातलिया का जो नियम है वो क्या कहता है, सिस्टम यानी निकाय उस तरफ जाएगा जिस तरफ इस बड़ी विषांतता का प्रभाव कम हो जाए। तो कम कैसे होगा, ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ये कंज्यूम होगा, कंज्यूम होकर क्या बनाएगा, ये उत्पाद बनाएगा। तो गहरा लाल रंग अधिक रूप से मिलना इस बात का द्योतक है या सूचक है कि हमारी जो अभिक्रिया है अग्र दिशा में हो रही है और नया साम्य पुनः स्थापित हो जाएगा। बैठिए, वेरी गुड। अब दूसरा उदाहरण हम इसमें ले रहे हैं, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमने क्या ले लिया था, सांद्रता का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक, ये उदाहरण अभी अभी हम कर चुके हैं, एक सबसे पहले ही लिया था मैंने वो एग्जांपल, N2+3H2 2NH3। अब मैं पुनः इसको एक बार दोहरा देता हूं, जो छात्र पहले नहीं समझ पाए थे, इसलिए वापस से इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारी एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और अमोनिया का निर्माण हो रहा है और एक साम्य स्थापित हो चुका है एक निश्चित ताप और दाब पर। अब मेरा सवाल यह है, यदि मैं इस साम्य के दौरान दाब बढ़ा देता हूं, यानी जो साम्य स्थापित हो चुका है इसके दौरान दाब बढ़ा देता हूं, प्रेशर बढ़ा देता हूं, तो साम्य किस तरफ जाएगा, बाई तरफ जाएगा या दाई तरफ जाएगा। अरे बात समझे, किधर जाएगा, बाई तरफ जाएगा या दाई तरफ जाएगा। ठीक, सवाल ये है और उसका कारण क्या है। तो अब आप बताइए, ग्रीन टी शर्ट में भैया बैठा है, नाम बताओ अपना। हाँ बताइए इसको। हाँ, ये मेरा सवाल ये रहा, ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया में निर्माण किसका हो रहा है, अमोनिया का हो रहा है। मैंने क्वेश्चन किया कि दाब अगर इस साम्य के दौरान, अब मैंने दाब बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया है, दाब बढ़ा दिया है, तो ये अभिक्रिया बाई तरफ होगी या दाई तरफ होगी, यानी अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। बेटा उनको बताने दो पहले, अग्र दिशा में, शाबाश। अब आप बताइए क्यों, ये बताइए अभी। हाँ खड़े होके बताइए, दाब बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो दाब बढ़ने से क्या हुआ, निकाय किस तरफ जाएगा, नहीं क्यों जाएगा, मेरा सवाल ये क्यों जाएगा। वो तो आप सही, मैं नहीं बताया आपको दाब बढ़ा है, हाँ तो वो किसके कारण, कि आपको ये बताना है सही तरीके का आंसर ये है कि ली शैटेलिए के नियम के अनुसार जो हमारा निकाय है या रासायनिक साम्य है उस दिशा में जाएगा जिस जहां से इस बढ़े हुए दाब का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। ठीक है, बढ़े हुए दाब का प्रभाव कहां पर कम होगा, यहां तो चार है, 2, 1 और 3, 4, और इधर कितने, केवल 2 ही मॉलिक्यूल, तो दाब कहां है, कम यहां है, तो अभिक्रिया क्या होगी, अग्र दिशा में। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। यानी दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में प्रगति करती है, अब यदि मैं दाब कम कर दूं, ये तो था दाब बढ़ाने का, दाब कम करने पर किधर होगी, पश्चिम दिशा में। वेरी गुड, ठीक है ना। तो आप देखिए इनका क्या उपयोग है, ये सब हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल केवल पढ़ने के लिए, इनका वास्तव में जैसे ये अभिक्रिया है अमोनिया का निर्माण है, अब अमोनिया क्या खाद उसके अंदर काम आती है, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज बनाते हैं वहाँ इसका प्रयोग होता है, तो उस दौरान एक्सपेरिमेंटल कंडीशन प्रायोगिक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, मतलब हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड तो कर रहे हैं, वैसा नहीं हो कि रिएक्शन पश दिशा में होने लग जाए, जो बना रहे हैं वही पुनः हमें प्राप्त, मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं वही हमें मिलने लग जाए, तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, अभिक्रिया के दौरान क्या करेंगे, हम आयरन और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक इसमें प्रयुक्त होता है, उच्च दाब पर और कम ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी ताप का प्रभाव में मैं डिस्कस करूंगा, वो ताप वाली बात, लेकिन अभी मैं ये आप बता रहा हूँ, तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, औद्योगिक उत्पादन अमोनिया का, वहाँ ये सब चीज़ें काम आती हैं। अगली बात समझो आपकी, तो ये एक तो उदाहरण हमारा ये हो गया। अब दूसरा मैं उदाहरण लेता हूँ, बड़ा सिंपल उदाहरण,
एच टू प्लस आई टू टू एच आई, ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन की अभिक्रिया हो रही है और एच आई बन रहा है। अब आपका क्या प्रभाव बेटा, आप बताइए, ये बताइए। हाँ हाँ ये अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। एक एक मोल मिलकर दो मोल इसका निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं, अब आप सोच के सोचिए, ऐसे नहीं, क्या दाब का प्रभाव होगा या नहीं होगा, ठीक है। दाब का कोई, दोनों तरफ क्या है, सेम है, नंबर ऑफ मोल्स आपके सेम है, प्रति इकाई आयतन जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है वो क्या है, समान है। प्रति इकाई आयतन मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है वो क्या है आपकी, समान है। इस वजह से उपयुक्त अभिक्रिया पर, इस वाली जो अभिक्रिया पर, दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप दाब बढ़ाइए चाहे कम करिए, साम्य अपनी जगह स्थिर रहेगा। हर ये बात समझे, दाब का यहाँ कोई प्रभाव नहीं आएगा। दाब का प्रभाव कहाँ आता है, ध्यान देंगे, जहाँ प्रति इकाई आयतन अग्र दिशा में, मतलब रिएजेंट अभिकारक या उत्पाद, उन दोनों में अंतर हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर हो, वहाँ आएगा दाब का प्रभाव। और जहाँ समान है वहाँ कोई प्रभाव, बैठिए, वेरी गुड। दूसरा एक ये, इसमें भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ जाएगा एस टू प्लस आई टू टू एच आई। दाब बढ़ाने पर साम में जाएगा बाई ओर, साम में जाएगा दाई ओर, साम में कोई परिवर्तन नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो साम में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। या दो अभिक्रिया एक साथ दे देगा, एक तो ये वाला अमोनिया का उदाहरण दे दिया और एक एस टू आई टू वाला दे दिया, उन दोनों के विकल्प बना दिए, एक दो दो एक तीन चार ऐसे करके वो बना के देगा। आपको पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक। ये चीज़ आगे बात करता हूँ मैं, एक और अच्छा है बड़ा, हेनरी का जो नियम हमने कल देखा था कि गैस की द्रव में विलेयता की, इसी टॉपिक के अंदर बात कर लेते हैं। गैस की द्रव में विलेयता, बातें नहीं भाई, आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये चीज़ें एक बार कराने के उपरांत वापस फिर जो चीज़ निकल गई वो फिर समझना मुश्किल होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और इसको आपने जल में विलय किया है, एक्वस। एक्यू लिखा है, जो छात्र रिमोट एरियाज में बैठे हैं, रिमोट लोकेशंस पर, वो इसको समझ लें। एक हम अभिक्रिया लिख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जल के अंदर विलय कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक साम्य स्थापित हो जाता है, किसमें, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलय है, जो ये लिखा है ए क्यू। ए क्यू का मतलब एक्वस, एक्वस से तात्पर्य जल में विलय, ठीक है ना, ये आप जलीय माध्यम। तो अब ये हमारी अभिक्रिया है। अब मैंने लिखा है कि गैस की द्रव में विलयता का दाब से क्या संबंध है, या दाब का क्या प्रभाव होता है, ये साम्य है इसके ऊपर, ठीक है। आ रही बात समझ आपकी। तो अब अगर मैं दाब बढ़ा देता हूँ, क्या बढ़ा देता हूँ, दाब, दाब बढ़ा देता हूं, तब क्या होगा आप बताइए। गैस का दाब बढ़ाने पर, वापस से आप सभी लोग देखिए इसको, ये जो इक्वेशन है मेरे पीछे जो लिखी हुई है, CO2 गैस और CO2 एक्वस, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरीके से देखिए। मेरा सवाल ये है, यदि मैं गैस का दाब बढ़ा देता हूं तो साम्य किधर जाएगा, बाईं तरफ या दाईं तरफ, दाईं तरफ जाएगा, क्योंकि तो बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाए, तो बढ़े हुए दाब का प्रभाव, जब CO2 गैस है तो दाब जैसे आप बढ़ाओगे तो गैस वाली साइड में दाब बढ़ जाएगा, तो क्या हुआ, अधिक से अधिक मात्रा में गैस क्या करेगी, जल में विलय होने का प्रयास करेगी, उससे क्या होगा, उसका बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या है, वो यही है कि जो गैस की जो विलयता है उसको कैसे बढ़ाएंगे, कोई भी गैस है जब वो द्रव में जब विलय होती है तो हम दाब बढ़ाते हैं, तब क्या होगा, उस गैस की जो विलयता है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उस गैस की विलयता बढ़ जाती है, यही क्या है आपका, हेनरी का नियम है। अगली बात समझ में आपके, ये वापस देख लीजिए, जो लोग इसको नहीं एक बार देख पाए, एक हमने उदाहरण लिया है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 गैस है, ठीक है, उसको हम जल में विलय कर रहे हैं, जल में विलय करने पर एक रासायनिक साम्य स्थापित होता है CO2 गैस और CO2 एक्वस के बीच में, एक्वस का मतलब जलीय माध्यम में उपस्थित, जलीय माध्यम में विलय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम
गैस का दाब बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? गैस का दाब बढ़ा देते हैं। गैस का दाब बढ़ाने पर मेरा सवाल है कि ये साम्य अग्र दिशा में जाएगा या पश्च दिशा में जाएगा? अग्र दिशा में जाएगा, ली शैटेलिए का नियम कहता है, क्योंकि साम्य उस दिशा में गति करेगा जिस दिशा में इस बढ़े हुए दाब का प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, बढ़े हुए दाब का प्रभाव क्या हो जाए? कम हो जाए। अब गैसीय अवस्था में दाब ज्यादा है तो क्या हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा उस वाटर के अंदर डिजोल्व होने का, घुलने का प्रयास करेगी, तो साम्य किधर होगा? अग्र दिशा में। ठीक, अरे बात समझे, ये क्लियर हो गया आपका। तो ये जो दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि आपका दाब का क्या प्रभाव होता है, ये भी हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है आपका ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ठीक है, किसी भी रासायनिक साम्य पर ताप का क्या प्रभाव होता है? ये हमारी अभिक्रिया है, सभी लोगों ने देख लिया है जो मैंने लिखा है, क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि रासायनिक साम्य पर ताप का क्या प्रभाव होगा, किसका प्रभाव? ताप का क्या प्रभाव होगा, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अग्र दिशा में जब अभिक्रिया होती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और अमोनिया का निर्माण होता है, तब अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। यानी कहने का तात्पर्य डेल्टा एच का मान क्या है? नेगेटिव, अग्र दिशा के अंदर। ठीक है, कई क्वेश्चन आ जाते हैं, ये समझ नहीं पाते डेल्टा एच क्या है, यहां लिख देता हूं ऋणात्मक। ठीक, पश्च दिशा में हम बात करें तो जब अमोनिया का विखंडन होगा तब क्या होती है? ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको। ठीक, अब मेरा जो सवाल है, ली शैटेलिए के नियम के अनुसार ये जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में जब साम्य स्थापित हो गया है तब मैंने ताप बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? ताप, टेम्परेचर, ताप बढ़ा दिया है। तब साम्य किस दिशा में जाएगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, जिससे मेरे को पता लगे तो समझ में आया ही नहीं आया है। पीछे आप लोगों से भी पूछेंगे, मेरे पास है सवाल आप लोगों के लिए भी अभी। ठीक है, आप बताओ बेटा, ये बताइए बेटिया, हाँ आप खड़े होकर बताइए। हाँ बेटा, अगर मैंने ये जो अभिक्रिया है जब साम्य स्थापित हो गया है तब मैंने ताप बढ़ा दिया है, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, इधर या इधर? अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में या पश्च में? पश्च में जाएगी, अग्र में जाएगी। ठीक है, गुड, जो भी आता है बेटा अच्छे से बताओ, कोई नहीं, आपको आता है अच्छे से आप बता सकते हैं। कौन सी दिशा में जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी, बिल्कुल सही बताया आपने, अग्र दिशा में जाएगी। है, क्यों जाएगी? एक मिनट, चलिए बैठिए आप बताओ, ये बताइएगी ताप बढ़ाने पर, भाई बातें नहीं, अग्र दिशा में जाएगी या पश्च दिशा में? एक मिनट, ताप बढ़ाने पर अग्र दिशा में जाएगी क्या भाई? अग्र दिशा में, तो एक मिनट उसको बताने दीजिए, वो बता रही है। टेम्परेचर का बेटा, ये जो मैंने लिखा है इसका भी कोई मीनिंग है? कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा छेपी होगी या ऊष्मा शोषी? गुड, वेरी गुड, इसने बता दिया अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा शोषी, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में होगी? पश्च दिशा में, क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे? ताप बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया क्या हो रही है? ये वाली जो अभिक्रिया है तो वैसे ही ऊष्मा छेपी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ली शैटेलिए का नियम क्या कहेगा, ताप बढ़ाने का जो प्रभाव है उसको वो नष्ट करने का प्रयास करेगा सामने, तो किधर है? बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, पश्च दिशा में, जहां ताप की जरूरत है, जहां ताप की जरूरत है। यानी अमोनिया किधर होगी? अमोनिया किस में टूट जाएगी? N2+S। देखिए आप इस चीज को ध्यान रखिए कि हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, दाब वाली बात अलग है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर ताप की, टेम्परेचर की। तो अग्र अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा छेपी है बेटा, और पश्च अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी है। तो अगर मैं ताप बढ़ा देता हूँ
तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, पश्च दिशा में, जहां पर उस ताप का प्रभाव नष्ट हो जाए। ठीक है, बैठिए। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में, अब ताप घटाने पर आप बताइए बढ़ेगी कॉर्नर में। हाँ, ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, ताप कम करने पर किधर जाएगी अभिक्रिया? भाई ताप बढ़ाने पर तो अभिक्रिया जा रही है पश्च दिशा में, अब ताप को क्या कर रहा हूं मैं, कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम कर रहा हूं, तब किधर जाएगी, अग्र दिशा में। वेरी गुड, वापस से आप लोग इसको देख लीजिए, जो लोग क्लियर नहीं हो पाया मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ। अभिक्रिया हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य, एक अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। लेकिन जब अमोनिया का निर्माण होता है उस दौरान क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊष्मा मुक्त। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, पश्च अभिक्रिया हम देखते हैं, पश्च यानी जब अमोनिया से अमोनिया विखंडन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तब क्या होता है, अभिक्रिया को ऊष्मा दी जाती है, उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है बंध तोड़ने के लिए उसके। ठीक है, तो कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है इसके अंदर। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी। तो ली शेटलिए का जो नियम है हम उसको अगर ध्यान में रखें तो कि ताप बढ़ाने पर क्या करने पर, ताप बढ़ाने पर, अब यहां तो क्या हो रहा है, ऊष्मा छेपी है, पहले ही एनर्जी निकल रही है, यहां तो जरूरत है ही नहीं, तो क्या होगा, उसका प्रभाव नष्ट कैसे होगा, विपरीत दिशा के अंदर चलेगी। किधर चलेगी, पश्च दिशा के अंदर। और अगर हम ताप कम कर दें, ताप कम करने पर ऊष्मा छेपी वाली जो डायरेक्शन है उसके अंदर अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी। क्लियर, ताप का क्या प्रभाव होता है। अब देखिए जो मैं बताना चाह रहा था एक, हाँ बट क्वेश्चन, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, फिर आप नहीं बता सकते इसको, ये चीज बताना फिर, अगर आपको उसका तरीका है फिर, या तो अगर आपको डेल्टा जी या डेल्टा एच का मान ध्यान है, उसका तरीका है, एनर्जी जो है आप निकालिए फिर, वो एनर्जी की वैल्यूज होनी चाहिए आप, वैल्यूज अगर आपके पास हैं। देखिए दो तरीके हैं फिर उसके, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेल्टा एच ऋणात्मक है, तो जैसे ही आपको दिमाग में आएगा डेल्टा एच ऋणात्मक है, तो डेल्टा एच ऋणात्मक कौन सी अभिक्रियाओं के लिए होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, आपको पता होना चाहिए ऊष्मा गतिकी में क्लियर है। और डेल्टा एच पॉजिटिव किसके लिए होगा, ऊष्मा शोषी। मत दीजिए मान की कोई जरूरत नहीं है, डेल्टा एच से भी आप पता लगा सकते हैं। दूसरा फिर बंद वियोजन जो ऊर्जाएं और उनके वैल्यूज दे रखी हैं, एनएन बंद की ऊर्जा, एचएच बंद की ऊर्जा, एनएच बंद की ऊर्जा, या तो फिर आप उससे कैलकुलेट करिए, वो थोड़ा एक लंबा रास्ता है मेरे ख्याल से, वो सवाल इस तरीके का नहीं आना चाहिए, आना नहीं चाहिए, और एक्सेप्शन का हम कह नहीं सकते, आ जाए तो आ भी जाए, फिर वो एक थोड़ा अलग रास्ता है। उसमें क्या आप बंद वियोजन ऊर्जा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बंद वियोजन, जो हमने ऊष्मा रसायन में थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, वो जो एनर्जी कैलकुलेट करके फिर हम चेक करेंगे कि अभिक्रिया कैसी है, अगर डेल्टा एच का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है तो ऊष्मा छेपी, नहीं तो ऊष्मा शोषी। ठीक, ये चीज़ हमारी हो गई ताप का प्रभाव। हाँ, जो मैं बताना चाह रहा था आपको इसके अंदर अभी आएगा, उत्प्रेरक के अंदर आएगा। ठीक, उत्प्रेरक का प्रभाव, ठीक है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, आप लोग सभी जानते हैं उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। भाई ध्यान से सुने हैं आप लोग, जिन लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है, उत्प्रेरक के बारे में एक बार वापस से समझ लीजिए। उत्प्रेरक क्या करता है, कोई भी अभिक्रिया है उसकी जो सक्रियण ऊर्जा है वो कम कर देता है, क्या कर देता है, सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा होती है जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है। अगर मॉलिक्यूल्स के पास सक्रियण ऊर्जा नहीं है तो वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, भले ही वो आपस में कितनी बार भी टकराएं, कितने ही उनमें कॉलिजन्स हो, लेकिन जब तक उनके पास वो सक्रियण मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होगी वो प्रोडक्ट में, उत्पाद में परिवर्तित
नहीं होंगे। ठीक, तो ये क्या करता है, उत्प्रेरक क्या करता है, उस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, उसकी वैल्यूज को कम कर देता है। ठीक है, जैसे ये अभिक्रिया है, अब मैंने उत्प्रेरक लिया तो इस तरीके से संपन्न हुई। तो ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या है, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आपका क्या हो गया, सक्रियण ऊर्जा, जब है, जब आपने क्या यूज लिया है, उत्प्रेरक। ठीक, अब उत्प्रेरक का क्या, जैसे हमने उत्प्रेरक काम में लिया तो उत्प्रेरक क्या करेगा, अग्र दिशा को भी प्रभावित करेगा और पश्च को भी करेगा। कहने का मतलब साम्य अवस्था जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। अरे बात समझे, शीघ्र प्रोडक्ट बन जाएगा, और जब प्रोडक्ट शीघ्र बनेगा तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके कोलाइड करके उनके मॉलिक्यूल वो पुनः क्या बनाएंगे, आपके अभिकारक बना लेंगे। तो उत्प्रेरक क्या क्या भूमिका रही, कि साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो के का मान है, साम्य स्थिरांक का जो मान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अरे बात समझ में, साम्य स्थिरांक के मान में उत्प्रेरक के अगर हम काम में ले रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, उत्प्रेरक काम लेने से अगर अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी शीघ्र, और पश्च अभिक्रिया शीघ्र हो जाएगी। ठीक है, कारण क्योंकि सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अभिकारकों के लिए भी और उत्पाद वाली दृष्टि से भी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए जैसे ए अभिक्रिया है, ए प्लस बी और ये सी प्लस डी, तो ए प्लस बी से सी प्लस डी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, और सी प्लस डी से ए प्लस बी शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, और साम्य शीघ्र स्थापित हो जाएगा, लेकिन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे बात समझे, अब जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे एन टू प्लस थ्री एस टू और टू एन एस थ्री, तो इसको हमने देखा था कि अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, अमोनिया के उत्पादन के लिए, मैं बात कर रहा हूँ अमोनिया के उत्पादन के लिए, दाब कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दाब, लेकिन ताप उच्च नहीं रख सकते। ठीक है, लेकिन अब ताप की अपनी भूमिका होती है, ताप ज़्यादा करेंगे तो अभिक्रिया जल्दी होगी, शीघ्र होगी, आपस में वो टकराएंगे मॉलिक्यूल्स, तभी तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, टेम्परेचर से मिलेगी, उनको टकराएंगे। अब आप टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा छेपी है, तब क्या करेंगे, फिर उत्प्रेरक यूज लेंगे, क्या यूज लेंगे, उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम आयरन उत्प्रेरक यूज में लिया जाता है, जिससे ताप कम रहने के बावजूद भी अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न हो जाती है, और अमोनिया की हमें औद्योगिक रूप से प्राप्ति अधिक होती है। हर ये बात समझ में, ये सिर्फ इसको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए पॉइंट है। तो ये हमारा हो गया उत्प्रेरक का प्रभाव। इसके बाद आता है अक्रिय गैसों का प्रभाव। हाँ बेटा बोलिए, कौन सवाल पूछ, लिखा नहीं आपने, हाँ कंबाइंड उत्प्रेरक होता है दोनों का, ऐसा नहीं है, मतलब कंबाइंड, देखिए वो कैटलिस्ट की एक अलग वो स्टोरी है पूरी एक, ठीक है ना, एक लेकिन उत्प्रेरक क्या होता है, कंबाइंड उत्प्रेरक होता है, मेटल्स अलग अलग मेटल्स को क्या, नहीं नहीं इस तरीके से नहीं है, मतलब अब ये देखिए उत्प्रेरक की, आप देखो उत्प्रेरक दो प्रकार से एक हम बात करते हैं, एक तो कैटलिस्ट और एक होता है इनहिबिटर, जो आप बात पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। एक कैटलिस्ट तो क्या होता है, अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देता है, और अभिक्रिया को उसको तेजी से आगे संपन्न करता है, जबकि संबंधक क्या करता है, अभिक्रिया को स्लो कर देता है, इनहिबिट वो भी प्रभावित करता है लेकिन वो क्या कर देगा, स्लो कर देगा। मान लो कोई वायलेंट रिएक्शन है, अत्यंत तेजी से होती है, कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, या जो हमारा उत्पाद जो हमें चाहिए वो नहीं बन गया, कोई दूसरी चीज़ बन जाए, उसमें बंद टूट जाए, तो हम क्या करेंगे, संबंधक का प्रयोग कर लेंगे। अभी तो आप इतना ही लिख लीजिए इसके लिए, ठीक। अब आता है इसके आगे अक्रिय गैसों का प्रभाव। किसका, अक्रिय गैस,
इनर्ट गैसेस के नाम ध्यान है आपको? पीरियडिक टेबल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ठीक है। तो अगर हम वो ऐड करें तो क्या होगा? अक्रिय गैसें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? ठीक है, पहला है नियत आयतन पर मिलाने पर। किस पर? नियत आयतन पर मिलाएं। अक्रिय गैस हम किस पर मिला रहे हैं? नियत आयतन पर। आयतन क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। देखिए, नियत आयतन पर जब हम कोई अक्रिय गैस मिलाएंगे, ध्यान देंगे आप कि कोई रासायनिक साम्य में जब हम नियत आयतन पर कोई गैस मिला रहे हैं तो कुल दाब है, तो टोटल प्रेशर है। देखिए, अक्रिय गैस कोई रिएक्शन तो करेगी नहीं उनके साथ, क्योंकि वो क्या है? अक्रिय है। तो आपके जो भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, अभिकारक है या उत्पाद है, उससे तो वो अभिक्रिया नहीं करने वाली है, सिर्फ प्रेशर की दृष्टि से चेंज आएगा। पहली कंडीशन क्या है? नियत आयतन पर हमने कोई अक्रिय गैस मिला दी तो कुल दाब का मान तो बढ़ जाएगा, टोटल जो प्रेशर है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन संगत अभिकारक या संगत उत्पाद, उनके जो आंशिक दाब हैं वो वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वापस समझ लें इस बात को। अक्रिय गैस हम मिला रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो साम्य है उसमें क्या है? कांस्टेंट है वॉल्यूम। आयतन क्या है आपका? नियत है। ठीक है, तो जैसे ही हमने अक्रिय गैस मिलाई तो टोटल जो प्रेशर है, कुल जो दाब है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो अभिकारक है या उत्पाद है, जो उनका जो आंशिक दाब जो है, क्या है? आंशिक दाब है, उनके स्वयं का आंशिक दाब, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हमें पता है कि हम जब रासायनिक साम्य स्थिरांक का मान निकालते हैं के का, तब हम वहां पर आंशिक दाब कम में लेते हैं। क्या लेते हैं? आंशिक दाब। तो इस कारण से जो आपका के है, रासायनिक साम्य स्थिरांक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहली बात। ठीक, पॉइंट नंबर टू, ये तो था नियत आयतन पर। अब है नियत दाब पर मिलाने पर। नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अब नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाएंगे तो क्या होगा? देखिए, नियत आयतन पर, नियत दाब पर अक्रिय गैस मिला देंगे तब प्रति इकाई आयतन, तो आयतन में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण प्रति इकाई आयतन अणुओं की संख्या अणु यानी मॉलिक्यूल्स कम हो जाती है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? कंडीशन क्या है हमारी? नियत दाब पर हम कोई अक्रिय गैस मिला रहे हैं तब क्या होगा? आपके आयतन में तो क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आयतन तो बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि हमारे इस वक्त कंडीशन केवल आपका प्रेशर कांस्टेंट रखा है। ठीक, लेकिन उसके कारण क्या होगा? जैसी आयतन में वृद्धि होगी तो प्रति इकाई आयतन के अंदर, आयतन में वृद्धि होने के कारण प्रति इकाई आयतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब साम्य किस तरफ जाएगा? साम्य उस तरफ जाएगा जिस तरफ ये प्रभाव कम हो जाए, जिस तरफ ये प्रभाव कम हो जाए। उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, मैंने इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, SO3 बन रही है। अब इस केस के अंदर क्या होगा? नियत दाब पर मैंने कोई अक्रिय गैस मिला दी तो साम्य किधर जाएगा, बाईं तरफ या दाईं तरफ? बताइए, दिमाग लगाइए,
प्रतिकायतन में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसका विपरीत काम करेगा, या गणित के छात्र हैं आप लोग, ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा ध्यान से। एक और आधा कितना होता है, 1.5, और यह क्या है, 1। अब 1.5 है बाईं तरफ तो, और दाईं तरफ 1, तो बताइए। पश मैं बता रहा हूँ वापस से, वापस से इसको आप एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। हमारा टाइम लगभग कंप्लीट हो गया है, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हम क्लोज करेंगे हमारा। देखिए, अक्रिय गैस का प्रभाव हम डिस्कस कर रहे हैं नियत दाब पर, ठीक है। नियत दाब पर क्या होगा, आयतन में तो हो जाएगी वृद्धि, तो प्रति इकाई आयतन क्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, जब आयतन बढ़ जाएगा तो प्रति इकाई आयतन मॉलिक्यूल्स की संख्या, अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीकरण होकर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है SO3, ठीक। अब इसके दौरान जब हमने अक्रिय गैस मिला दी इस रासायनिक साम्य में, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब साम्य किधर जाएगा, बाईं तरफ यानी अग्र दिशा में, सॉरी दाईं तरफ अग्र दिशा में या पश्च दिशा में, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो है कि आपका ये जो साम्य है ये उस तरफ जाएगा जहां अणुओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। किधर जाएगा, अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि अक्रिय गैस मिलाने पर क्या हो रहा है, प्रति इकाई आयतन में क्या हो रहा है, अणुओं की संख्या, तो उसका क्या करेगा, अपोजिट काम करने की कोशिश करेगा, वो क्या करेगा, विपरीत कार्य करने की कोशिश करेगा आपका सामने, क्या करेगा, वो अणुओं की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अब अणुओं की संख्या में वृद्धि किधर हो रही है, अभिकारक वाली साइड में। इधर कितना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तो इसका आधा है 1.5 और इधर 1, तो इसकी जो इसको कम करने का प्रयास, अणुओं की संख्या में कमी हो रही है प्रति इकाई आयतन, तो साम्य किधर होगा, पश्च दिशा में। एक एग्जांपल है वो आप घर पर करेंगे, N2+3S2 2NH3, ठीक है। आपको इतनी बार बता चुके हैं, मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसको कम से कम 15 बार इस उदाहरण को बता चुका हूँ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कैसे क्या हो रहा है, अमोनिया का निर्माण हो रहा है, इसमें क्या प्रभाव होगा, क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलाने से अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस पर अक्रिय गैस हमने मिला दी, तब साम्य बाईं तरफ जाएगा या दाईं तरफ जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा या पश्चिम दिशा में। अक्रिय गैस का प्रभाव, सिर्फ बात कर रहा हूं मैं अक्रिय गैस मिलाने की, ताप और दाब की अभी बात नहीं कर रहा, टेम्परेचर और प्रेशर को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, ध्यान देंगे, टेम्परेचर प्रेशर डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, सिर्फ मैं जो पैरामीटर बदल रहा हूँ, जो मापनीय गुण बदल रहा हूँ, वो क्या है, अक्रिय गैस मिला रहा हूँ। तो अब ये चैप्टर हमारा यहाँ तक हमने कर लिया है, कल हम विलेयता गुणनफल और जो उसके अनुप्रयोग हैं, हंडरसन समीकरण है, बफर समीकरण है, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे।